लहसुन की फसल में पीलिया रोग आने से किसानों ने खेत के खेत हांकने पड़ रही हैं। कड़ोदिया गांव में भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष बजरंग पटेल ने बताया कि अगले वर्ष लहसुन के अच्छे भाव रहने से क्षेत्र के किसानों ने महंगे दामों में बीज खरीदा था। साथ ही फसल की अपेक्षा मजदूरों व खाद्य दवाई का खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है, फिर भी ज्यादा रुकबे में बुआई की, क्योंकि खरीफ की फसलों में भी पीलिया रोग आने से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। वो मार तो की किसान भूल ही नहीं पाया था और एक और मार किसानों के ऊपर आ गई है। लहसुन की फसल में भी पीलिया रोग आ गया है, जिससे पूरे के पूरे खेत हांकने पड़ रहे हैं। इसी के तहत झालावाड़ कृषि विज्ञान केंद्र से अरविंद नागर उद्यान विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस प्रसार विशेषज्ञ, संजय दांगी सहायक कृषि अधिकारी, दिनेश चौधरी एसआरएफ, सत्यनारायण पाटीदार कृषि पर्यवेक्षक ने रायपुर क्षेत्र के कड़ोदिया गांव में आकर लहसुन की फसल को देखा और कृषकों को लहसुन में आ रहे पीले रोग के बारे में बताया एवं इसके ऊपर छिड़काव के लिए डीम क्लोरोफिट 10 ml 15 लीटर टंकी एवं साथ में चिपको की मात्रा भी ली है एवं प्रति 7 दिन में दोहराने के बारे में बताया है। बजरंग जी पटेल के जो किसान संघ अध्यक्ष है, उनके खेत पे लहसुन की समस्या इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा आ रही है, तो हम आज कड़ोदिया गांव में पहुंचे हैं और हमने यहाँ पे लगभग 3-4 खेत विजिट करने के बाद ये पाया गया कि जो खेतों में थ्रिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो खरीफ प्याज है उसकी अभी हार्वेस्टिंग हुई है थोड़े दिन पहले, तो वो उसकी वजह से थ्रिप्स प्याज पे थ्रिप्स और प्याज के जो थ्रिप्स है वो लहसुन पे भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो इसके लिए इमिडाक्लोरपिड हमने इनको सजेस्ट किए, इमिडाक्लोरपिड 10 ml 15 लीटर की टंकी में रेगुलर इंटरवेल पे, लगभग 1 week इंटरवेल पे आपको कंटिन्यू स्प्रे करना है, तभी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा इस पर चिपचिपे ट्रेप, जो येलो स्टिक की ट्रेप और ब्लू स्टिक की ट्रेप, क्योंकि तो ब्लू कलर की ओर आकर्षित होता है, तो ब्लू स्टिक की ट्रेप पीपो पे थोड़ा सा वार्निश नीले कलर का और पीले कलर का करके उस पर ग्रीस लगा के, अभी ये लगभग 6 बीघा खेत है तो इसमें 8 से 10 जगह रख के उस ट्रिप को कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद। लहसुन के अच्छे भाव मिलने से झालावाड़ क्षेत्र के किसानों ने इस साल भी लपक के बोई करी, पर किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 75% लहसुन पूर्णतः नष्ट हो चुकी है और आज बहुत सारे लोगों ने खेत के खेत हांक दिए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इधर खरीफ की फसल में भी सोयाबीन का उत्पादन सही नहीं हुआ और आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशानी में है किसान। कुछ दवाइयों के सरकार छूट में दे, आज कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ से कृषि विज्ञानियों की टीम आई थी, उन्होंने भी यहाँ पर जानकारी दी और दवाइयों का स्प्रे करने के बारे में बताया कि हर सप्ताह में एक बार दवाई का स्प्रे करके इसको बचाया जा सकता है, जो बच गई।